सनराइज न्यूज़ के इस वीडियो में आपका स्वागत है। बात रोजगार की और शुरुआत करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा निकाली गई नियुक्तियों को लेकर। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आयोग ने भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव भी कर दिया है। इस भर्ती अभियान के लिए पहले 4 सितंबर 2021 को परीक्षा आयोजित की जानी थी, लेकिन अब इसे स्थगित करके 13 से 15 सितंबर के दौरान आयोजित करने की घोषणा की है। आयोग ने परीक्षा का पूरा शेड्यूल rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी किया है। परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक रहेगी। राज्य में SI के कुल 859 पदों के लिए ये नियुक्तियां की जानी है। चलिए बात उत्तर मध्य रेलवे की। उत्तर मध्य रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। उत्तर मध्य रेलवे ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट यानी rrcprjy.org पर अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। वर्ष 2020-21 के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज, आगरा और झांसी के लिए अधिकार क्षेत्र में विभिन्न डिवीजन कार्यशालाओं में ट्रेनी के लिए कुल 1664 रिक्तियों पर आवेदन मांगे हैं। ITI और कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार 2 अगस्त 2021 से उत्तर मध्य रेलवे अप्रेंटिस भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआती तारीख 2 अगस्त 2021 है। ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 है। आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने वाले उम्मीदवार न्यूनतम 50% अंकों के साथ 10वीं पास या इसके समकक्ष होने चाहिए। वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक, वायरमैन और कारपेंटर के लिए उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता 8वीं पास होनी चाहिए या ITI सर्टिफिकेट उनके पास होना जरूरी है। उम्मीदवार का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा, जो 10वीं और ITI में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी NHM के तहत 797 भर्तियां होनी हैं। UP नेशनल हेल्थ मिशन ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO के 779 पदों पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने का ये बेहतरीन मौका है। उत्तर प्रदेश नेशनल हेल्थ मिशन यानी NHM UP द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uprnrhm.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। NHM UP CHCO भर्ती के लिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से BSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी होना जरूरी है। इसके अलावा उम्मीदवारों को UP नर्स और मिडवाइफ काउंसिल से नर्स और मिडवाइफरी के रूप में रजिस्टर्ड होना भी जरूरी है। NHM UP भर्ती 2021 के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। तो इस वीडियो में दी गई रोजगार से जुड़ी जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही सनराइज न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कीजिए शेयर।